परासिया में बिजली कटौती की समस्या को लेकर बैठक की गई। विधायक ने विद्युत विभाग के जिला अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की और कहा कि ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती के चलते किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परासिया विधायक ने विद्युत विभाग के जिला अधिकारी से चर्चा के दौरान कहा कि ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती को रोका जाए, क्योंकि किसानों को बिजली कटौती के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर विधायक ने ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उन्होंने बिजली विभाग के जिला अधिकारी समेत तहसीलदार महेश अग्रवाल के साथ यह निर्णय लिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सारे विद्युत अधिकारी यहां पर उपस्थित हुए थे उस ज्ञापन के संबंध में, और आज विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। जहां जहां जो मांगे हमारे किसानों की ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर 15-15, 20-20 दिन से खराब पड़े हुए हैं, उन सबको बदला जाएगा। और जो ट्रांसफार्मर की कमी हो रही थी, तो हमने ऐसी हिसाब से भी चर्चा किया जबलपुर, उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रांसफार्मर का आपको आवश्यकता जो रिक्वायरमेंट है, आप गाड़ी भेज दीजिए, कल हम ट्रांसफार्मर को भेज दे देंगे। और तो जो किसानों की समस्या थी कि ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे 15-15, 20-20 दिन, तो हम सब लोगों ने एक बात का तय किया है कि यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 3 दिन के अंदर में बदला जाए। एजी फीडर में 10 घंटा दिया जाता है, उसको रात की जगह 10 दिन में देने का मांग रखी गई। एजी फीडर पे जो शेड्यूल निर्धारित हमको मैनेज करने के हिसाब से वो जो शेड्यूल निर्धारित हुआ है हमारा, उसी में चलेगा वो। बाकी जो ट्रांसफार्मर फेल है हमारे, इसको सोमवार मंगल तक पूरे बदल देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।